अमेरिका जो पूरा तख्ता पलट का गेम खेलता है, इसके पीछे अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का काफी बड़ा हाथ होता है। कास्ट्रो के एंटी अमेरिकन प्रो USSR स्टांस होने की वजह से USA फिडेल कास्ट्रो से नफरत करने लगता है एंड उसको पावर से ओवरथ्रो करने का प्लान बनाता है। पूरे प्लान को जान लेने के बाद जॉन एफ कैनेडी CIA को क्यूबा को इन्वेड करने की परमिशन दे देते हैं। साल 1953 में ईरान में ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 CIA के साथ मिलकर तख्ता पलट करती है। जब ब्रिटेन के सारे पैट्रिक फेल हो जाते हैं तो फाइनली ब्रिटेन USA की हेल्प मांगता है एंड USA ब्रिटेन की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। USA काफी टाइम से चाहता था कि उसको बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस मिल जाए ताकि वो वहां से चाइना पर नजर रख सके। आज पूरी दुनिया में ये बात किसी से भी नहीं छुपी कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक गिर सकता है। अगर किसी कंट्री में उसकी फेवर की गवर्नमेंट नहीं है तो वो वहां पर तख्ता पलट करके वहां की सरकार को गिरा देता है। ग्वाटामाला, फिलीपींस, अर्जेंटीना, चिले, ब्राजील, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्यूबा, निकारागुआ, ऐसे बतेरे कंट्रीज के एग्जांपल्स हैं जहां पर अमेरिका तख्ता पलट कर चुका है। अमेरिका जो पूरा तख्ता पलट का गेम खेलता है, इसके पीछे अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का काफी बड़ा हाथ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम अमेरिका द्वारा किए गए तख्ता पलट की बात करेंगे, जिनमें से कुछ सक्सेसफुल भी रहे तो कुछ फेलियर भी रहे। इसमें रिसेंटली जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ वो भी शामिल है, लेकिन उसके पीछे अमेरिका कैसे था ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद पूरी दुनिया दो खेमे में बट गई थी। एक खेमा जहां USA यानी वेस्टर्न आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, तो वहीं दूसरा खेमा USSR यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। 1960 के दौरान क्यूबा, जो कि USA से जस्ट अटैच्ड कंट्री है, वहां पर फिडेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट पावर में आती है। और जो फिडेल कास्ट्रो थे वो एक प्रो USSR लीडर थे। फिडेल कास्ट्रो के पावर में आते ही वो पूरे क्यूबा में नेशनलाइजेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अमेरिकन बिजनेसेस क्यूबा में होते हैं उनको काफी ज्यादा हैवी लॉसेस होते हैं। कास्ट्रो के एंटी अमेरिकन प्रो USSR स्टांस होने की वजह से USA फिडेल कास्ट्रो से नफरत करने लगता है एंड उसको पावर से ओवरथ्रो करने का प्लान बनाता है। मार्च 1960 को प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजेनहावर के अंडर CIA क्यूबा को इन्वेड करने का प्लान बनाती है। इसके लिए CIA जो क्यूबंस अमेरिका में रहते हैं और जो फिडेल कास्ट्रो की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होते हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करती है एंड उन्हें सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो क्यूबा में जाकर एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सके। बेसिकली अमेरिका क्यूबा को डिस्टेबलाइज करना चाहता था। अब कुछ टाइम बाद डी आइजेनहावर पावर से हट जाते हैं और जॉन एफ कैनेडी USA के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA जॉन एफ कैनेडी को क्यूबा को इन्वेड करने का पूरा प्लान बताती है और उन्हें बताती है कि कैसे क्यूबा USSR का एक क्लाइंट स्टेट बन चुका है और हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, तो इसीलिए हमें क्यूबा को इन्वेड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरे प्लान को जान लेने के बाद जॉन एफ कैनेडी CIA को क्यूबा को इन्वेड करने की परमिशन दे देते हैं। अब जो ये पूरा ऑपरेशन है, ग्वाटामाला जो कि अनदर लैटिन अमेरिकन कंट्री है वहां से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है। 17 अप्रैल 1961 को फाइनली जो रेबल्स होते हैं बे ऑफ पिग से क्यूबा को इन्वेड करते हैं, इसीलिए जो ये पूरा इवेंट है इसको द बे ऑफ पिग इन्वेजन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन CIA ने जैसा पूरा प्लान बनाया था वैसा कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो को इस कूप के बारे में पता चल जाता है और जो रेबल्स क्यूबा में इन्वेड करते हैं उन्हें क्यूबन आर्म फोर्स बुरी तरह से 2 दिन के अंदर ही कुचल देती है, जिसकी वजह से अमेरिका का ये पूरा मिशन फेल हो जाता है। इस मिशन के बाद भी CIA काफी सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स करती है फिडेल कास्ट्रो को पावर से ओवरथ्रो करने के, जैसे ऑपरेशन मोंगूज, लेकिन वो सारे के सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। 1980s के टाइम पर निकारागुआ, जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, वहां पर सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट पावर में आती है, जिसको लीड कर रहे थे डेनियल ओर्टेगा। डेनियल ओर्टेगा निकारागुआ में सोशलिस्ट रिफॉर्म लेकर आना चाहते थे, जिसके अंडर वो लोगों के बीच में इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन लाना चाहते थे और साथ ही वो चाहते थे निकारागुआ में लैंड रिफॉर्म्स आए। अब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होने की वजह से सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट के USSR एंड क्यूबा के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से USSR सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट को बैक भी करती है। इसी टाइम पीरियड के दौरान USA एंड USSR के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो अपने पीक पर थी, इसीलिए USA नहीं चाहता था कि इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी भी तरह से USSR का इन्फ्लुएंस आए। तो सिंपल था, USSR के साथ इतने ज्यादा क्लोज टाइज होने की वजह से USA सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट को पावर से ओवरथ्रो करना चाहती थी। वो चाहती थी कि निकारागुआ में उसका कोई पपेट बैठे, ना कि USSR का। इसीलिए US गवर्नमेंट CIA की हेल्प से निकारागुआ में कूप प्लान करती है।
अब 1981 का टाइम आ चुका था और इस टाइम पर यूएस की कमान संभाल रहे थे प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन। रोनाल्ड रेगन सैंडिस्टा गवर्नमेंट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक बहुत ही बड़ा थ्रेट कंसिडर करते हैं जो कि यूएस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो रोनाल्ड रेगन CIA के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें निकारागुआ से सैंडिस्टा गवर्नमेंट को पावर से ओवरथ्रो करना पड़ेगा, जिसके लिए वो निकारागुआ में जो काउंटर रेबल ग्रुप होते हैं जो कि सैंडिस्टा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर सके। यही नहीं, CIA निकारागुआ में जो निकारागुआ की मीडिया होती है, प्रिंट मीडिया होती है और रेडियो होते हैं, उन्हें पैसे खिलाती है ताकि वो दिन रात सैंडिस्टा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल सकें, उनके अगेंस्ट में खबरें छाप सकें। ऐसा करने की वजह से जो निकारागुआ में लोग होते हैं उनके मन में सैंडिस्टा गवर्नमेंट को जो लेकर नफरत होती है वो बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करके ये नफरत वायलेंस में तब्दील हो जाता है और ये वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें कई हजारों मासूम लोग मारे जाते हैं एंड CIA सैंडिस्टा गवर्नमेंट को पावर से हटाने में सक्सेसफुल हो जाती है। USA जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है और अपने आप को डेमोक्रेसी का रखवाला कहता है, उसने CIA के जरिए न जाने कितने ही देशों में डेमोक्रेटिक लीडर को हटाकर अथॉरिटेरियन को खड़ा किया है by providing them funding and weapons and all. इसका सबसे बड़ा जीता जागता example है ईरान। साल 1953 में ईरान में ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 CIA के साथ मिलकर तख्तापलट करती है। CIA एंड MI6 के इस मिशन को आज दुनिया ऑपरेशन एजेक्स के नाम से जानती है। दरअसल बात यह थी कि उस टाइम पर ईरान में जो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं मोहम्मद मुसादे, वो ब्रिटेन और अमेरिका की नजरों में खटक रहे होते हैं, जबकि यही दोनों देश हैं जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का रोना रोते रहते हैं। मोहम्मद मुसादे के कारण जब इनके सेल्फ इंटरेस्ट पर खतरा आया तो डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी सब भूल गए। ईरान को मोहम्मद मुसादे से पहले शाह मोहम्मद राजा पहलवी रूल कर रहे थे जो कि एक प्रो वेस्टर्न लीडर थे। इनके राज में ब्रिटेन की चांदी ही चांदी थी क्योंकि ब्रिटेन को इनसे काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। दरअसल ब्रिटेन ने ईरान में एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी स्टैब्लिश करी हुई थी जिसके थ्रू ब्रिटेन ऑयल एक्सट्रैक्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा एंड बदले में वो ईरान को प्रॉफिट का मात्र 16% हिस्सा शेयर कर रहा था। मोहम्मद मुसादे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट लीडर थे। तो 1951 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ईरान के, तो वो ईरान का नेशनलाइजेशन करवाकर जो एंग्लो ईरानियन कंपनी है वो ईरान की गवर्नमेंट के अंडर कर देते हैं। मुसादे की पॉलिसीज और उनके डिसीजंस की वजह से ब्रिटेन को काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। ब्रिटेन कैसे भी करके चाहता था कि मुसादे पावर से हट जाएं। इसके लिए ब्रिटेन काफी ज्यादा कोशिश भी करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। यहाँ तक कि वो मुसादे से पर्सनली जाकर बात भी करते हैं लेकिन मुसादे ब्रिटिशर्स की बातों में नहीं आते। जब ब्रिटेन के सारे पैतृक फेल हो जाते हैं तो फाइनली ब्रिटेन USA की हेल्प मांगता है एंड USA ब्रिटेन की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। आखिर बाप अपने बेटे की मदद क्यों ना करे। अमेरिका की CIA एंड ब्रिटेन की MI6 मिलकर ईरान में कूप की प्लानिंग करते हैं एंड इस पूरे मिशन को वो नाम देते हैं ऑपरेशन एजेक्स। इस मिशन के अंडर वो ईरान में प्रोपेगेंडा रन करते हैं कि मोसादे एक कम्युनिस्ट सिंपथाइजर है। CIA एंड MI6 जो ईरान के बड़े बड़े लीडर्स होते हैं और जो मिलिट्री ऑफिशियल्स टॉप पर बैठे होते हैं उन्हें घूस देती है एंड ईरान में जो रेबल्स होते हैं उनको फंडिंग एंड वेपन्स प्रोवाइड करती है टू फाइट अगेंस्ट मोसादे। यहाँ तक कि CIA ईरान की न्यूज़पेपर वहाँ की मीडिया को पैसे देकर खरीद लेती है जो कि दिन रात मोसादे के अगेंस्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स छापते रहते हैं। ईरान में आए दिन मोसादे के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है जो कि पूरी तरह से पेड होता है। CIA एंड MI6 की इतनी जद्दोजहद के बाद फाइनली 19 अगस्त 1953 को ईरान की जो आर्मी होती है जो कि CIA के साथ मिली हुई होती है वो मोहम्मद मुसादे को पावर से ओवरथ्रो करके उन्हें हाउस अरेस्ट कर लेती है। जो शाह ऑफ ईरान होते हैं रेजा पहलवी जो कि ईरान छोड़कर भाग गए थे, CIA उन्हें वापस बुलाती है एंड उन्हें उनकी गद्दी वापस देती है। जब तक वो पावर में होते हैं पूरी तरह से अमेरिका और वेस्ट की सेवा करते हैं, जो वेस्ट बोलता है वो वही करते हैं। लेकिन ये सब 1979 तक चलता है एंड 1979 में अगेन ईरान में एक पलट हो जाता है। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट करो 1979 ईरान को, मैं जरूर इसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो USA ने कई देशों में तख्तापलट किया है लेकिन इसका सबसे ज्यादा ताज़ा एग्जांपल है बांग्लादेश। हाल ही में जो बांग्लादेश में मिलिट्री कूप हुआ जहां शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया आना पड़ा, इसमें पूरी तरह से USA का हाथ था। USA काफी टाइम से चाहता था कि उसको बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस मिल जाए ताकि वो वहां से चाइना पर नजर रख सके, लेकिन शेख हसीना के चाइना और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होने की वजह से वो USA को मिलिट्री बेस देने से इनकार कर देती है एंड इसकी वजह से USA की ईगो हर्ट हो जाती है। एक छोटा सा देश वो हमें मना कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स
स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मना कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। एंड यही से यूएसए शेख हसीना को पावर से ओवरथ्रो करने का पूरा प्लान बनाता है। CIA के इस पूरे प्लान में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी जमात इस्लामी एंड BNP पार्टी शामिल होती है। ये मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट को इंजीनियर करेंगे एंड उन्हें वायलेंट बनाएंगे। अब ये सक्सेसफुली प्रोटेस्ट को इंजीनियर तो कर देते हैं एंड उन्हें वायलेंट भी बना देते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा वायलेंट बन जाते हैं कि उन्होंने भी नहीं सोचा होता। पूरे ऑल ओवर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने लगते हैं, लोग सड़कों पर उतरकर गाड़ियों को आग लगाते हैं, दुकानें लूट लेते हैं एंड यहां तक कि वो शेख हसीना के रेजिडेंस तक घुस जाते हैं। बांग्लादेश की जो आर्मी होती है, जो CIA के साथ मिली हुई होती है, वो शेख हसीना को धमकी देती है, रिजाइन दो और बांग्लादेश छोड़कर चली जाओ, अदरवाइज हम प्रोटेस्टर्स को नहीं रोकेंगे एंड उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। अब मजबूरन शेख हसीना के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें रिजाइन देकर बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आना पड़ता है। अगर हम USA को दुनिया का गुंडा कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये गुंडा पूरी दुनिया में अपनी डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, वो चाहता है कि दुनिया उससे डरे, उसकी बात सुने, और अगर कोई भी उसके अगेंस्ट गया तो फिर वो फाइनेंशियली एंड मिलिट्रीली उसको अपनी पावर से डराने की कोशिश करता है। दरअसल इसके पीछे USA की इनसिक्योरिटी छुपी हुई है। USA डरता है कि कल को कोई ऐसा देश खड़ा ना हो जाए जो उसे चैलेंज करे, एंड इसी डर के कारण जो देश उसकी बात नहीं मानते वो वहां पे कूप का सहारा लेता है वहां की सरकार को गिराने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स या एस्पियोनाज में जरा सा भी इंटरेस्ट है ना, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए जियोपॉलिटिक्स एंड एस्पियोनाज से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।